जिस आदमी के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे वह शमशान में बैठा मिला जिंदा। इन लड़कों ने गर्लफ्रेंड के लिए प्लेन में ही लगा दिया बम, और कैसे बीच रास्ते में हवाई जहाज रुकवाकर भाग गए दर्जनों यात्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं लोगों द्वारा किए गए कुछ हैरान कर देने वाले कांड। नंबर वन, टॉम ओपियो नाम का एक शख्स केन्या में रहकर अमेजन में नौकरी कर रहा था। तभी उसे ऑर्डर मिला कि उसे अब यूरोप भेजा जा रहा है, जहां वह आईटी प्रोफेशनल बनकर कंपनी के लिए काम करेगा। केन्या से यूरोप शिफ्ट होने की खुशी में ओपियो ने अपना केन्या में घर, गाड़ी और जरूरी सामान बेच दिया। इतना ही नहीं, उसने बच्चों के स्कूल भी चेंज करा दिए। लेकिन यूरोप जाकर ज्वाइन करने से महज 4 दिन पहले ही कंपनी में छटनी के दौरान ओपियो को निकाल दिया गया। अब ओपियो के पास ना घर बचा, ना गाड़ी, और नौकरी भी चली गई। साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। नंबर टू, सेट मैक्स चैनल पर आपने भी सूर्यवंशम देखी होगी, जहां हर रोज जहर वाली खीर भानु प्रताप खाते हैं। लेकिन इस खीर को देखकर एक भाई इतना परेशान हो गया, उन्होंने सेट मैक्स को लेटर लिखकर पूछ लिया चैनल पर इस फिल्म को कितनी बार दिखाया जा चुका है और आगे कितनी बार दिखाया जाएगा, क्योंकि हमारा परिवार सूर्यवंशम को देखकर कुंठित हो चुका है और आगे इसे बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। वैसे कमेंट में बताएं कि चैनल वालों ने इसका क्या जवाब दिया होगा। नंबर थ्री, आपने सेल्फी तो जरूरी ली होगी, लेकिन क्या होगा कि आपकी सेल्फी 190 किलोमीटर लंबी हो जाए। आपकी तरह मैं भी हैरान हो गया था ये जानकर कि कैसे ये सज्जन सेल्फी लेने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़े। तभी ट्रेन ने सीटी मारी और चल दी। ट्रेन राजमुंद्री स्टेशन पर रुकी तो ये सज्जन सेल्फी लेने के लिए ट्रेन में चढ़ गए, लेकिन उनके चढ़ने के साथ ही ट्रेन के गेट बंद हो गए और ट्रेन चल दी, और ये बंदा ट्रेन के अंदर ही फंस गया। इसके बाद उसे ट्रेन में ही करीब 190 किलोमीटर का सफर करना पड़ा और टिकट का किराया भी वसूला गया। नंबर फोर, आपने ट्रेन में चेन पुलिंग कर यात्रियों को उतरने या चढ़ने की बातें तो खूब ही सुनी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि प्लेन को भी बीच रास्ते में रुकवाने के लिए लोग एक ऐसा तरीका अपनाते हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। पिछले दिनों मोरक्को से तुर्की जा रही एक फ्लाइट की अचानक स्पेन में इमरजेंसी लैंडिंग होती है, क्योंकि प्लेन में सवार एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। प्लेन स्पेन के बार्सिलोना में जैसे ही लैंड करता है तो मौके पर एम्बुलेंस पहुंचती है और महिला को अस्पताल ले जाती है। तब तक 28 यात्री प्लेन से उतरकर फरार हो जाते हैं और महिला की प्रसव वाली कहानी भी झूठी निकलती है। दरअसल इन सभी ने स्पेन में घुसने के लिए यह तरीका अपनाया था, क्योंकि बॉर्डर के जरिए इन्हें स्पेन में शरण नहीं मिलने वाली थी। नंबर फाइव, ब्राजील में 60 साल के बाल्टाजार लेमोस नाम के शख्स की अचानक से मौत की खबर सामने आती है तो उसके पड़ोसी और रिश्तेदार सभी हैरान हो जाते हैं। आखिर चलता फिरता इंसान अचानक चल बसा। इसके बाद तय समय पर उसकी अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें दोस्त रिलेटिव शामिल हुए। अंतिम यात्रा जैसे ही शमशान पहुंची तो लोगों को बड़ा झटका लगा, क्योंकि शमशान में लेमोस सभी के सामने जिंदा खड़ा था। एक बार तो लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन लोगों को जब सच पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। दरअसल लेमोस ने अपने मरने की झूठी खबर इसलिए फैलाई ताकि वह देख सके कि उसकी अंतिम यात्रा में कितने लोग शामिल होंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नंबर सिक्स, पिछले ही दिनों दिल्ली से पुणे जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट में बम होने की कॉल मिली, जिसके बाद सुरक्षा को देखते हुए पूरी फ्लाइट को खाली करवाकर तलाशी ली गई, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन इस जांच के कारण फ्लाइट काफी लेट हो गई थी। दरअसल फोन कॉल का मकसद ही था कि फ्लाइट को लेट करवाया जाए, क्योंकि इस फ्लाइट में दो लड़कों की महिला मित्र पुणे जाने के लिए सवार हुई थी, लेकिन दोनों युवक उनके साथ कुछ और वक्त बिताना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने तीसरे दोस्त से कुछ भी करके फ्लाइट को लेट करवाने को कहा, जिसके बाद दोस्त ने प्लेन में बम होने की सूचना कंट्रोल रूम को दे दी और फ्लाइट डिले हो गई। लेकिन रुको जरा, आप सोचिए आगे क्या हुआ होगा। तो सभी को जेल में एक अच्छा नागरिक बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।